हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी। दोस्तों आप सभी लोग को स्वागत है इस नए वीडियो पर। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा जो कि आप लोगों का यूट्यूब का वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम को कैसे हटा सकते हैं, और ये 100% रियल ट्रिक है। इससे आप लोग यूट्यूब का वीडियो के ऊपर जो कॉपीराइट क्लेम को हटा सकते हो। तो जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। और हमने इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों आपका फोन में क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन को ओपन करिए और यहाँ पर थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लीजिए। उसके बाद आपने यूट्यूब चैनल को ओपन करिए और यहाँ से यूट्यूब चैनल का जो लोगो है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों को जो यूट्यूब स्टूडियो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो आप लोगों को यूट्यूब स्टूडियो का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। और इस डैशबोर्ड को ओपन होने के बाद नीचे जो वीडियो सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो आप लोगों को जो वीडियो मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि पहला वाला जो वीडियो है व्हाट्सएप डाटा स्लैब मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए अपलोड किया है। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर देख सकते हैं जो कि कॉपीराइट क्लेम लिखा हुआ है। तो आप लोग इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सी डिटेल्स पर देख सकते हैं। नहीं तो आप लोग जो एडिट वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद वीडियो डिटेल्स में जाओगे तो आप लोगों को जो पब्लिक सेक्शन है यहाँ पर जो नीचे लिखा है देखा देगा जो कि कॉपीराइट क्लेम। तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो कॉपीराइट क्लेम डिटेल्स देख सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो आप लोग जो कॉपीराइट क्लेम का जो स्टेटस है यहाँ पर देखा जाएगा। अगर आप लोगों के पास एक ब्लॉग वाली वीडियो है तो मिडिल में बीच में कोई भी गाना यूज़ किया तो आप लोगों को जो किन टाइम से शुरू हुआ और कितना टाइम तक जो गाना प्ले हुआ उसके लिए जो कॉपीराइट क्लेम यहाँ पर टाइमिंग दिखाई देगा जो और उसके साथ जो कॉपीराइट क्लेम का जो ऑनर है वहाँ पर नाम भी दिखाई देगा, जहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं जो कि सोनी म्यूजिक प्रोडक्शन है। तो यहाँ से आप लोग एक्शन बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग सॉन्ग को रिप्लेस भी कर सकते हो, नहीं तो आप लोग म्यूट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोग को ये जो कट के निशान है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और इस पेज को हटा दीजिए। और यहाँ पर नीचे जो वीडियो एडिट के लिए जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग को यूट्यूब स्टूडियो बीटा वर्सन पर जो एडिट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। और आप लोगों को जो ब्लॉग वाली वीडियो है तो वहाँ पर आप लोगों को जितना टाइम तक आप लोग सॉन्ग को यूज़ करें और जो कॉपीराइट स्टेटस पर आप लोग वहाँ पर नोट कर लीजिए जो कितना टाइम से शुरू हुआ और कितना टाइम तक जो सॉन्ग प्ले हुआ। तो उनको जो उन पार्ट को ट्रिम करने के लिए आप लोग ट्रिम के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो स्केल को आप लोग ड्रैग करके उन टाइम के पास ले जाइए और उसके बाद जो स्प्लिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए और फिर से इसको क्लिक करके आप लोग जितना टाइम तक जो सॉन्ग म्यूजिक जो स्टॉप हुआ वहाँ पर ले जाइए और यहाँ से स्टॉप करके इसको भी स्प्लिट कर दीजिए और सेकंड कट के ऊपर क्लिक करके इसी तरह ड्रैग करके पहला जो कट के ऊपर ले जाइए और उसके बाद जो प्रीव्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद जो ऊपर में स्क्रॉल करिए और यहाँ सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो ऐसी तरह जो आप लोगों को इंटरफेस दिखाई देगा जो इन पार्ट को डिलीट होने के लिए यूट्यूब के तरफ से जो कुछ टाइम लगेगा और यहाँ से नीचे सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो आप लोगों को यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आ जाएगा देख सकते हैं जो कि कुछ घंटे के बाद आप लोगों को चेक करना होगा जो ये रिमूव हुआ क्या नहीं हुआ आफ्टर वन आवर्स लेटर। और एक घंटे बाद में ओपन किया और यहाँ पर देख सकते हैं जो कि रजिस्ट्रेशन के ऊपर कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं है और यहाँ पर पब्लिक का नीचे भी देख सकते हैं जो यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम नहीं है। तो आप लोग ऐसी तरह जो लाइव प्रूफ देख लिया तो आप लोग भी ऐसी तरह जो आप लोग को वीडियो के मिडिल में कोई भी गाना सॉन्ग यूज़ किया तो आप लोग कॉपीराइट क्लेम को हटा सकते हैं इन पार्ट को डिलीट करके। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को इस वाली वीडियो बहुत पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना और अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और कोई भी जानकारी जानने चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।